जय माँ काल, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी, आज का जो मेरा वीडियो है आईटीबीपी में, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, लगातार रिक्रूटमेंट आप लोग की यहाँ पे निकल के आ रही है। फिर चाहे वो आप लोग की आईटीबीपी ट्रेड्समैन की वैकेंसी रही हो, आईटीबीपी पॉइनर की वैकेंसी रही हो, आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट, ड्रेसर वेटनरी, कैनल मैन, और अभी आप लोग की एक बड़ी भर्ती निकल के आई थी आईटीबीपी कांस्टेबल किचन सर्विस की। इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं, अभी आप लोग की एक रिक्रूटमेंट और चल रही है, वो है आप लोग की आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी। इसके भी ऑनलाइन अप्लाई आप लोग के अभी चल रहे हैं, लेकिन इसी क्रम को जारी रखते हुए आईटीबीपी ने एक और रिक्रूटमेंट निकालने का फैसला किया है। एक नोटिस के माध्यम से मैं आप लोग को जानकारी देने वाला हूं, कब से आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई होंगे। वैकेंसी बहुत 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 ही अच्छी है। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। नोटिफिकेशन का लिंक आप लोग को दिया गया है, टेलीग्राम से जुड़िए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी आप लोग के लिए निकल के आ रही है, वीडियो लास्ट तक देखेंगे। जी हाँ, तो क्या है नोटिस, देखिए वेबसाइट पे अभी तक नोटिस नहीं आया है, लेकिन नोटिस के माध्यम से मैं आप लोग को जानकारी देने वाला हूं। मेरे पास जो नोटिस है, इससे आप लोग को पूरी तरीके से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कौन कौन सी वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, कौन कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। प्रीवियस में वैकेंसी कब आई थी, कितनी वैकेंसी थी, किस तरीके से क्या प्रोसेस हुआ था, पूरी पूरी जानकारी आप लोग को मिलने वाली है। तो आप लोग देखेंगे, ये है आप लोग का नोटिस, जिसमें कि आप लोग को बताया गया है, विंडो एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल। ये मिक्स वैकेंसी है, सब इंस्पेक्टर के लिए भी है, हेड कांस्टेबल के लिए भी है, कांस्टेबल के लिए भी, यानी कि सब भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं सभी पोस्ट पे। टेलीकम्युनिकेशन की वैकेंसी है आईटीबीपीएफ में, डायरेक्ट एंट्री एग्जामिनेशन 2024। तो आईटीबीपी के द्वारा लगातार आप लोग को वैकेंसी निकाली जा रही है। जी हाँ, तैयारी कीजिए आप लोग, मेहनत कीजिए, सिलेक्शन आपका जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोग को इनवाइट किए गए हैं, मेल और फीमेल दोनों ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नॉन कस्टेड, नॉन मिनिस्ट्रियल आप लोग की वैकेंसी है, वैकेंसी आप लोग की यहाँ पे सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन की है, ग्रुप बी की वैकेंसी है। इसके अलावा हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन और कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की वैकेंसी है, ये आप लोग की ग्रुप सी के अंतर्गत आती है। टेम्पोररी बट लाइकली बी परमानेंट आईटीबीपी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ऑनलाइन अप्लाई आप लोग को किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑनलाइन अप्लाई आप लोग के नवंबर में ही स्टार्ट हो रहे हैं। 15 नवंबर 2024 से आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे, 14 दिसंबर 2024 तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। जी हाँ, एक मंथ आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस चलेगा, लेकिन मैं आप लोग को अभी से क्लियर कर दूं, फॉर्म अप्लाई करने में बहुत ज्यादा डिले आप लोग नहीं करेंगे, क्योंकि आईटीबीपी की वेबसाइट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है ऑनलाइन अप्लाई में। बहुत से बच्चे ऑनलाइन अप्लाई करते करते थक जाते हैं, लेकिन ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो पाते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई कैसे होंगे, मैं आप लोग को फर्स्ट डे ही इसकी जानकारी दे दूंगा, 15 नवंबर 2024 में। और उसके बाद यदि आप लोग एलिजिबल हैं, तो जल्द से जल्द आप लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे, किसी भी प्रकार से डिले नहीं करेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आप लोग के लिए बैठा हूं, पूरी पूरी जानकारी आप लोग को दी जाएगी। तो डिटेल्ड ऑफ वैकेंसी, वैकेंसियां बहुत 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 ही अच्छी है, मैं आप लोग को क्लियर कर दूं। देखिए, अभी आप लोग की जो वैकेंसी निकल के आ रही है, इसके अलावा मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, 2023 में भी आप लोग की इसकी वैकेंसी निकल के आई थी। जी हाँ, 2023 में भी आप लोग की इसकी वैकेंसी निकल के आई थी, आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। मैं आप लोग को यहाँ पे जानकारी देने वाला हूं एक नोटिस के माध्यम से। जी हाँ, 2023 में आप लोग की यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई थी, 2022 लास्ट में इसके ऑनलाइन अप्लाई किए गए थे। आप लोग देख सकते हैं, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की आप लोग की ये वैकेंसी थी, और इसमें आप लोग को यहाँ पे मैं थोड़ा बिक करके दिखाता हूँ आपको, आप लोग देख सकते हैं। जी हाँ, ये आप लोग की वैकेंसी निकल के आई थी, इसमें आप लोग के जो ऑनलाइन अप्लाई हुए थे, ये आप लोग के हुए थे 1/11/2022 से 31/11/2022 तक आप लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया था, ठीक है, यानी कि 30 नवंबर 2022 तक आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था। और यहाँ पे हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल की वैकेंसी थी, बड़ी वैकेंसी आप लोग की निकल के आई थी, टोटल 293 पोस्ट थे। और इसके अलावा मैं आप लोग को ये भी क्लियर कर दूं कि आपकी वैकेंसी को बीच रास्ते में बढ़ाया भी गया था। जी हाँ, वैकेंसियां आप लोग की यहाँ पे इंक्रीज भी हुई थी, आप लोग देखेंगे, हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन, कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की जो आप लोग की वैकेंसी है, ये वैकेंसियां आप लोग की इंक्रीज हुई थी। तो यहाँ पे 293 से आप लोग की यहाँ पे 500 वैकेंसियां कर दी गई थी। जी हाँ, 500 पोस्ट आप लोग के यहाँ पे
कर दिए गए थे, आप लोग यहां पे देख सकते हैं। हेड कांस्टेबल की 126 थी जिसे कि 324 किया गया, और कांस्टेबल की यहां पे आप लोग की 167 थी जिसे कि बढ़ा करके 176 किया गया। टोटल आप लोग की 500 वैकेंसियां यहां पे हो गई थी। तो क्या हमारी वैकेंसियां भी इंक्रीज हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी जो वैकेंसी आई है इसके लिए पहले आप लोग को फॉर्म अप्लाई करना है। जी हाँ, फॉर्म अप्लाई करना है। यदि आप लोग एलिजिबल हैं, वैकेंसियां इंक्रीज होंगी नहीं होंगी इसकी जानकारी आप लोग को दी जाएगी। तो मैं आप लोग को क्लियर कर रहा हूं, ये वैकेंसी आप लोग की 2023 में निकल के आई थी जो कि 2022 लास्ट में इसके ऑनलाइन अप्लाई हुए थे। तो अभी जो आप लोग की वैकेंसी निकल के आ रही है ये इसमें कितनी वैकेंसी है आप लोग को पता होना चाहिए। तो अभी जो आप लोग की वैकेंसी निकल के आने वाली है इसमें सब इंस्पेक्टर की पोस्ट को और शामिल किया गया। तो सब इंस्पेक्टर में आप लोग देखेंगे मेल फीमेल जनरल एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सभी की वैकेंसी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो टोटल आप लोग की 92 वैकेंसी आ रही है। सैलरी आप लोग की 35,400 से 112,400 सैलरी रहने वाली। 20 आप लोग एज आप लोग की यहाँ पे 20 से 25 साल है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जनरल ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। इसी प्रकार से हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन की वैकेंसी है, मेल फीमेल दोनों ही स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जनरल एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सभी के लिए वैकेंसी है। जी हाँ, हेड कांस्टेबल मेल स्टूडेंट बहुत बड़ी वैकेंसी आप लोग के लिए निकल के आ रही है। 325 टोटल पोस्ट है हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन फीमेल 58 पोस्ट, टोटल 383 वैकेंसी निकल के आ रही है। पहले जो आप लोग की रिक्रूटमेंट आई थी उसमें भी आप लोग की हेड कांस्टेबल भी अच्छी खासी वैकेंसी थी। इसके अलावा कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की मेल फीमेल दोनों ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जनरल एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सभी की वैकेंसी है, 44 मेल है और फीमेल यहां पे 7 वैकेंसी, टोटल 51 वैकेंसी निकल के आ रही है। यानी कि सब इंस्पेक्टर हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल सभी के लिए वैकेंसी है, सभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेबल की सैलरी की बात की जाए 21,700 से 69,100 सैलरी है और 18 से 23 साल एज। जी हाँ, एज इंपॉर्टेंट है कांस्टेबल के लिए। एज यहां पे जनरल से है आप लोग 18 से 23 साल एज, ओबीसी से हैं 18 से 26 साल एज। जी हाँ, 18 से 26 साल एज, और एससी एसटी से हैं 18 से 28 साल तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हेड कांस्टेबल से हैं 18 से 25 साल, जनरल ओबीसी 18 से 28 साल, एससी एसटी 18 से 30 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, जो ये आप लोग की एज दी जाती है ये जनरल की होती है। ओबीसी को 3 साल का बेनिफिट मिलता है, 3 साल आप लोग ऐड कर सकते हैं, और एससी एसटी को 5 साल का बेनिफिट मिलता है। एज आप लोग की जो काउंट होती है फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट को एज काउंट होती है। फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट आप लोग की 14 दिसंबर 2024 है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो 14 दिसंबर 2024 को आप लोग को एज काउंट करनी है। एलिजिबल हैं तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसियां घट बढ़ सकती हैं, पोस्टपोन हो सकती हैं, बिल्कुल यहां पे क्लियर कर दिए गए। सारे राइट्स आईटीबीपी के पास हैं। आईटीबीपी रिक्रूटमेंट की वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई होंगे। 10% वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। और इसके अलावा आप लोग को बता दिया जा रहा है कि 200 रुपए फीस है यदि आप लोग सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करते हैं। ग्रुप बी की वैकेंसी है जो ठीक है, और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को फीस लगती है, एससी एसटी और इसके अलावा फीमेल स्टूडेंट तो कोई फीस आप लोग को लगने वाली नहीं है। इसके अलावा हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए 100 रुपए फीस है यदि आप लोग जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से आते हैं और मेल स्टूडेंट है। फीमेल स्टूडेंट हैं ओबीसी एससी और एसटी से आती हैं तो आप लोगों को कोई फीस लगने वाली नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोग की फीस है, सिर्फ सब इंस्पेक्टर के लिए 200 फीस है, बाकी आप लोग की 100 रुपए फीस है। चलिए, इसके बाद जो आप लोग के यहाँ पे फॉर्म अप्लाई होंगे रिक्रूटमेंट वेबसाइट से होंगे इसकी जानकारी मैं आप लोग को दे दूंगा, और रोजगार समाचार वगैरह में आप लोग का इसकी एडवर्टाइजमेंट आने वाली है। इसके अलावा स्टूडेंट परेशान होंगे, सर क्या हम लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते? देखिए मैं आप लोग को क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोग फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं यदि आप लोग क्वालिफिकेशन आप लोग की यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो क्वालिफिकेशन आप लोग की यहाँ पे निकल के आ रही है। यदि आप लोग हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 10+2 पास होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप लोग के पास यहाँ पे होने चाहिए, और 50% एग्रीगेट मार्क्स आप लोग के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में यहाँ पे होने चाहिए तो फॉर्म आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 45% तीनों सब्जेक्ट में आप लोग यहाँ पे एलिजिबल है। या फिर आप लोगों ने 10+ आईटीआई कर रखा है 2 ईयर का तो भी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई आप लोग का होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर में तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 10+ आप लोगों ने 10th आप लोगों ने पीसीएम से कर रखा है और 3 ईयर का डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या फिर इंस्ट्रूमेंट या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल तो भी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल भाषा में बताया जाए यदि आप लोग 10+2 पास हैं पीसीएम से 45% पीसीएम में तो आप लोग फॉर्म के लिए एलिजिबल है। पूरी तरीके से आईटीआई डिप्लोमा है तो भी आप लोग यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की बात की जाए तो यहां पे 10th क्लास पास है तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स आप लोगों ने आईटीआई से कर रखा है तो आप लोग को यहां पे मीन्स डिजायरेबल है, वांछनीय है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई ठीक कोई दिक्कत नहीं है। तो ओनली और ओनली 10th क्लास पास है तो कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा ही की डिटेल नहीं है इसमें।
तो बिल्कुल मैंने आप लोग को जानकारी दे दी है जो भर्ती आप लोग की निकल के आ रही है, जिसके कि ऑनलाइन अप्लाई आप लोग के होने वाले हैं। जी हाँ, ऑनलाइन अप्लाई होने वाले हैं। बड़ी भर्ती आप लोग की निकल के आ रही है, 526 टोटल पोस्ट है जो 15 नवंबर 2024 से ऑनलाइन अप्लाई होंगे। इसके अलावा भी जानकारी आप लोग को दी जाएगी आने वाले वीडियोस में। कोई प्रॉब्लम आ रही है पूछिए, जानकारी लीजिए। टेलीग्राम का लिंक दिया, उससे जुड़िए, नोटिफिकेशन दिया है वो डाउनलोड कीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट टाइम पर। जहां से पहले आप लोगों से ये कहूंगी थी, जन अपने चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर जरूर बताइए। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग लगे। थैंक यू, सी नेक्स्ट टाइम।